उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकियारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रविवार को टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं पर सिलकियारा टनल दुर्घटना में आज का दिन काफी अहम हो सकता है। प्लान के मुताबिक देर रात देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल साइट पर पहुंचा दी गई। इसके साथ 900 मिलीमीटर व्यास के ह्यूम पाइप की साइट भी पहुंचा दी गई। ऑगर मशीन के लिए जो जरूरी प्लेटफॉर्म चाहिए था वो भी रात में बनकर तैयार कर लिया गया। अब ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। मशीन के इंस्टॉलेशन के बाद मलबे में बोरिंग का काम शुरू हो जाएगा और पाइप डालकर फंसे श्रमिकों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 900 मिलीमीटर व्यास की हम पाइप भी यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े उपकरण यहां पर लगाए जा रहे हैं। दिन रात टीमें काम कर रखी हैं और अब पाइप ही सहारा बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और पाइप्स के माध्यम से लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन की भी फिलहाल कोई कमी नहीं है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस पूरे मामले की जानकारी, इस पूरे मामले का रिपोर्ट अपडेट देते हुए भी नजर आ रहे हैं और कई लोग इस टनल में यूपी के भी फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से भी बातचीत करके ढांढस बंधाया जा रहा है क्योंकि इस खबर के बाद से जो यूपी के श्रमिक के परिजन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा विचलित और चिंतित नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे भी बातचीत की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और फिलहाल अपडेट ये कि टनल साइट पर बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच गई हैं जिनसे रेस्क्यू का काम होगा, मलबे में बोरिंग का काम होगा। जून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन पहुंची, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काम चल रहा था इसमें, चूंकि जैसा मैंने देखा है ये कच्ची मिट्टी का पहाड़ है अभी और इसलिए शायद ये लेंट्स अभी जो मिट्टी का धंसा हुआ है उसकी वजह से ये घटना हुई है और शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ, इनकी मशीन्स काम कर रही हैं और अभी जो प्रगति हुई है 20 मीटर के लगभग प्रगति हुई है, टोटल शायद 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बताया जा रहा है और चूंकि 24 घंटे काम हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम उनसे संपर्क, उनके पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। और एक जो राहत की बात यह है कि उनसे संपर्क भी हो चुका है, जो अंदर लोग फंसे हैं उनको भोजन भी पहुंचाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी में सिलकियारा टनल के अंदर 50 घंटे से मजदूर फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। वहीं फंसे हुए मजदूरों के लिए पाइप के जरिए जरूरी खाने की चीजें भेजी जा रही है जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ ही पाइप के जरिए मजदूरों से बात करने की कोशिश भी की जा रही है। देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर आ गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रेस्क्यू का जायजा लेते हुए, पीएम मोदी ने सीएम से फोन पर बातचीत करके अपडेट लिया है, जानकारी ली है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। 40 मजदूर अभी भी सिलकियारा टनल में फंसे हुए हैं और ये सभी मजदूर रविवार से फंसे हुए हैं। 50 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मशीनों के माध्यम से इन मजदूरों तक खाना पानी पहुंचाया जा रहा है और रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी भी चलता हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। तो ग्राउंड जीरो से सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट फिलहाल आपके पास रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर?
देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जो मशीन का इंस्टॉलेशन वर्क था वो उस पर काम लगातार जारी है। इस बीच एक अच्छी खबर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर इस ऑपरेशन की सफलता के लिए कि ये ताकि ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके, टनल के अंदर यहाँ पर पूजा पाठ भी किया जा रहा है। पंडित जी बुलाए गए हैं, उनसे इस ऑपरेशन का जो ऑपरेशन आज से शुरू होने वाला है स्पेशल ऑपरेशन, उसकी शुरुआत के लिए यहाँ के लिए बकायदा पूजा पाठ भी की जा रही है, भगवान से दुआ भी की जा रही है कि ऑपरेशन किया जाने वाला है, किया जाने वाला है। ड्रिलिंग मशीन है उसके यहाँ पर आज मलबे में बोरिंग का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि टनल के अंदर बैटरी बन चुकी है, वहाँ पर जो मलबा डंप है उसको जितना वहाँ से खाली किया जा रहा है उतना दुगना मलबा वहाँ पर जमा हो जा रहा है, जिसके चलते इस वाले प्लान पर काम करना फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि मलबे को रोकने के लिए वहाँ पे शॉर्ट फिटिंग की भी कोशिश की गई लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई। अब पूरा दारोमदार सिर्फ ड्रिलिंग मशीन पर है, ये मलबे में बोरिंग करेगी और बोरिंग के बाद आप देखेंगे कि ये 900 mm के mm व्यास के ह्यूम पाइप यहाँ पर लाए गए हैं, बड़ी संख्या में ह्यूम पाइप यहाँ पर पहुंचाए गए हैं। मशीन के बोरिंग करने के साथ साथ इन ह्यूम पाइप को मलबे के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर इसमें सफलता मिलती है इसके बाद थर्मिकल को इससे निकालने का एक रणनीति तैयार की गई है, इन ह्यूम पाइप के जरिए उनको बाहर निकाला जाएगा। सबकी यही कोशिश है और यही कारण है कि अब वहां पर पूजा पाठ भी किया जा रहा है इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुँचाने के लिए। आप से भी जाना चाहेंगे अभी और टीमों को क्या कहना है, अभी और कितना वक्त लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने में? देखिए जो बोरिंग का काम है ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम होगा, क्योंकि जब बोरिंग शुरू होगी जब इसके अंदर जाएंगे वो देखना होगा कि बीच में कुछ समस्या न आए, बोरिंग में दिक्कत होती है, फिर ऑपरेशन में कठिनाइयां शुरू हो जाएंगी, चुनौतियां शुरू हो जाएंगी। अगर ऑपरेशन सफलतापूर्वक की गई जैसे प्लान किया गया है उसकी तरह चलता रहे, कोई अवरोध ना आए, कोई बाधा ना आए, तो कभी पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में 24 घंटे का समय लग सकता है जो एक्सपर्ट बताते हैं। यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो संबंधित एक्सपर्ट है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उन्हें देख रेख में मशीन का इंस्टॉलेशन का वर्क चल रहा है, मशीन बोरिंग करना शुरू करेगी। हालांकि ये बहुत बड़ी मशीन है, बहुत तेजी के साथ बोरिंग होगा, लेकिन फिर भी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में ह्यूम पाइप को मोहल्ले में बोरिंग खरीद डालने के लिए अभी ये भी क्योंकि ये भी पूरे तरह से क्लियर नहीं है, जो मलबा है वो कितने पोर्शन में है, कितने पोर्शन है, 30 मीटर पोर्शन में है, 40 मीटर पोर्शन में है, 10 मीटर पोर्शन है, क्योंकि जिस तरह से कल बताया गया था 1 मीटर से हटा दिया गया है टनल के अंदर, हम 1 मीटर और आगे पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा मलबा यहाँ पर गिरना शुरू हो गया था जिसके चलते बड़ा अवरोध इसमें उत्पन्न हुआ है। ये देखना होगा कि जो मलबा है वो कितने एरिया में कम होता है, उसी के आधार पर इस ऑपरेशन की सफलता भी निर्भर करेगी। लेकिन अभी जो प्राथमिक अनुमान है ये एक रणनीति तैयार की गई है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में, यानी कि ह्यूम पाइप से एक दूसरी टनल बनाने में कम से कम 24 घंटे का समय लग सकता है, जो यहाँ पर हमारी बातचीत थी। ठीक है, आपसे भी जानना चाहेंगे जो नई मशीनें आई हैं वो किस तरह से काम करेंगी, ये उपकरण किस तरह से वर्क करेंगे और कितने हेल्पफुल कितने मददगार साबित होने वाले हैं रेस्क्यू में? देखिए अभी उत्तराखंड में जहाँ भी जो भी आधुनिक मशीनें हैं आप देखेंगे कि उत्तराखंड में आधुनिक मशीनें हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तराखंड में बड़े पावर प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रेलवे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन चल रही है, बन रही है, उसमें अत्याधुनिक मशीनें उसमें उपलब्ध उसमें काम कर रही हैं, उन तमाम मशीनों को जिससे यहाँ पर थोड़ा बहुत है उन तमाम एजेंसियों से संपर्क साध के वो अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं। आप ये देखिए इस पूरे एरिया में जो टनल की साइट है यहाँ पर आपको मशीनों की कतार मिल जाएगी, पूरे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं, एम्बुलेंस आपको सामने खड़ी मिलेगी, आपात स्थिति में एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार रखी गई है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैयार रखी गई है, हेलीपैड यहाँ पर अस्थायी हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया है ताकि आपात स्थिति होने पर फौरी तौर पर लोगों को मदद पहुँचाई जा सके।
इसी तरह से यहाँ पर तमाम जो मशीनें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं, जो आगर मशीन है जिससे अभी यहाँ पर बोरिंग का काम शुरू होगा, ये देहरादून लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, नजर बनाए रखिएगा, आप आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।